तो बीजेपी ने 59 चेहरों का ऐलान कर दिया है। पहली सूची बीजेपी की जारी हो चुकी है। 70 प्रत्याशी रण में होंगे, लेकिन बीजेपी ने पहली सूची में 59 नामों का ऐलान किया है। जैसे कि पहले हमने आपको बताया था कि इस सूची में कई दिलचस्प नाम सामने आने वाले हैं, और वही हुआ। 10 सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सीधे तौर पर न्यूज वर्ल्ड इंडिया आपको बता रहा है कौन कौन प्रत्याशी रण में है और बीजेपी दफ्तर की तस्वीर क्या है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुभाष गौर भी जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बड़ी खबर उत्तराखंड के सियासी गलियारे से सीधे तौर पर जा रही है कि पुष्कर सिंह धामी पटिमा से चुनाव लड़ेंगे। उनसे चेहरों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जमनोत्री से केदार सिंह चुनाव लड़ेंगे, गंगोत्री से सुरेश सुहास चुनाव लड़ेंगे, खानपुर से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी चुनाव लड़ेंगे, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन चुनाव नहीं लड़ेंगे, गंगोत्री से सुरेश सुहास, पटिमा से महेंद्र भट्ट और इसके साथ साथ हरिद्वार से मदन कौशिक चुनाव लड़ेंगे, भगत चुनाव लड़ेंगे, से भी चुनाव लड़ने का ऐलान। सीधे तौर पर बिशन सिंह चुफाल का नाम ऐलान किया गया है, चक्राता से राम शरण को टिकट दिया गया है, धनौल्टी से प्रीतम सिंह पवार को टिकट दिया गया है, नरेंद्र नगर से सुबह जुनियाल को टिकट दिया गया है, वंशाली से शक्ति लाल को टिकट दिया गया है, वे प्रयाग से विनोद कंडारी को टिकट दिया गया है। उनके प्रत्याशी चुनावी रण में मंगलोर से दिनेश पवार को, रूसी से प्रदीप कटरा को, भगवानपुर से सत्यपाल को टिकट दिया गया है। और ये वो चेहरे हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आदेश चौहान वाणीपुर से होंगे, ऋषिकेश से। अरे कहां जा रहे हैं? हरिद्वार से इस वक्त मौजूद है। और आपको बता दें ममता सुभाष गौड़ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सुभाष के पास सीधा रुख कर रहे हैं। बीजेपी कार्यालय के बाहर है, बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीर क्या है वो सुभाष हमें बताएंगे। सुभाष मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। सुभाष 59 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया बीजेपी ने, कई बड़े नाम और 10 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। क्या कुछ अपडेट आपके पास बीजेपी दफ्तर से बाहर है, क्या तस्वीर आपके पास सुभाष? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिस्ट का इंतजार तमाम जो पूर्व विधायक हैं या फिर जो प्रत्याशी चुनाव की तैयारी कर रहे थे वो सभी लोग इंतजार कर रहे थे, और वो घड़ी अब खत्म हो चुकी है क्योंकि लगभग 59 प्रत्याशियों की जो घोषणा है वो भाजपा ने कर दिया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें लगभग 10 ऐसे सिटिंग विधायक थे जिनका टिकट काटा गया, जिसमें अगर बात की जाए तो थराली से जो विधायक थे मुन्नी देवी शाह उनका टिकट काटा गया, उसके साथ उनकी पड़ोस की सीट कर्णप्रयाग जो सीट थी वहां से टिकट काटा गया है विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी का, इसके अलावा खानपुर से जो विधायक थे वो अनिल नोटियाल को टिकट दिया गया। इसके साथ ही अगर कहा जाए तो कहीं ऐसी उम्मीदें भी लगाई जा रही थी कि कहीं महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले बड़े विधायक उनका भी टिकट कट सकता है, लेकिन इस लिस्ट में अभी ऐसे कोई बड़े चेहरे नजर नहीं आए। लेकिन बड़ी चीज ये है कि विधायकों के टिकट कटने के साथ साथ लगातार जो बात कही जा रही थी कि सरिता आर्य को क्या नैनीताल से भाजपा टिकट देगी, तो उनको भी टिकट देते हुए कहीं ना कहीं आ रहा है। उसके साथ ही बड़ी चीज ये है कि टिकट फाइनल होने के साथ ही जो भाजपा कार्यालय है वहाँ खुशी की लहर जरूर आपको देखने को मिल रही होगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये उत्तराखंड प्रदेश का भाजपा कार्यालय, और भाजपा कार्यालय में जो लोग हैं अभी से ही पहुंचना शुरू कर दिया, जिन लोगों को टिकट मिला उनके समर्थक बहुत अधिक संख्या में भाजपा कार्यालय में पहुंच रहे हैं और जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भी आपको नजर आ सकते हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि पिछले 2 दिनों से इस कार्यालय में भीड़ इस वजह से थी कि आखिरकार किसको टिकट दिया जाएगा, और आज भीड़ इसलिए है कि जिन लोगों को टिकट दे दिया गया है उनके समर्थक यहाँ आ रहे हैं, पार्टी का स्वागत कर रहे हैं, अपने जो प्रतिनिधि है उसका स्वागत कर रहे हैं, और चाहते हैं वो लोग क्या जो उनके प्रतिनिधि को टिकट मिला है उसके बाद कहीं ना कहीं ऊर्जा भरने का काम वो कार्यकर्ता भी यहाँ करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। जी तीन चारों का जिक्र कर रहा हूँ, खटीमा से पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार से मदन कौशिक, चौबट्टा खाल से सतपाल महाराज सुभाष, हरिद्वार ग्रामीण से स्वामी यतीश्वानंद, नरेंद्र नगर से सुबुद उनियाल और बिशन सिंह चुफाल का नाम भी इस सूची में है। लेकिन एक दिलचस्प चेहरा इस सूची में जिसका नाम नहीं है, खानपुर सीट से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का नाम नहीं है और उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ेंगी, यह भी एक बड़ी खबर है सुभाष। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि जो भी बड़े चेहरे थे जो बड़े नेता थे
वो अपनी टिकट के लिए दावेदारी भी कर रहे थे और लंबे समय से अपने क्षेत्र में विकास कार्य भी कर रहे थे। तमाम जो बड़े चेहरे थे उन सभी को तो कहीं ना कहीं टिकट दिया गया है, लेकिन कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को इस बार टिकट नहीं दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि टिकट उनके परिवार में ही दिया गया है तो शायद नाराजगी नहीं होगी, लेकिन बड़ी चीज ये है कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन इस बार दो टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन क्योंकि दो टिकट भाजपा ने किसी भी परिवार को देने से मना किया था और यही वजह थी कि हरक सिंह रावत की नाराजगी भाजपा से बढ़ गई थी और वो उनको भाजपा से भी दो टिकटों में एक नाम हो रहा है, चकराता से रामचरण को टिकट मिला है क्योंकि चकराता से चाह रहे थे मुन्ना सिंह चौहान की उनकी पत्नी को टिकट मिल जाए और ऐसे में उनकी पत्नी को टिकट नहीं दिया गया, लेकिन चकराता से रामचरण का नाम सामने आया। सुभाष जी बिल्कुल, रामशरण नौटियाल पिछले लंबे समय से चकराता में कार्य कर रहे थे, समाज सेवी के तौर पर काम कर रहे थे और बड़ी चीज ये है कि जो उनके बेटे हैं वो भारत में बड़ा नाम कमा चुके हैं, सिंगर हैं जुबिन नौटियाल और वो भी अपने पिताजी के साथ लगातार विकास कर रहे हैं और ये कहा जाता है समुदाय जो मदद करने के जो कार्यक्रम थे वो लगातार चला रहे थे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि परिवारवाद का जो टिकट की बात कही गई थी कि जो टिकट काटे जाएंगे परिवार में, एक एक परिवार से दो टिकट नहीं दिए जाएंगे, वो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनाती हुई नजर आई और यही वजह है कि जो चक्राता है वहां से कहीं ना कहीं मुन्ना सिंह चौहान की जो पत्नी है उनका टिकट काटा गया और इस बार रामशरण नौटियाल को वहां से मौका दिया गया है। दून टाइम से सविता कपूर को टिकट दिया गया सुभाष, जो कि हरबंस कपूर की जी बिल्कुल बिल्कुल, ये उम्मीद ये लगाया भी जा रहा था कि जो उनके परिवार है उनको संवेदना के तौर पर टिकट दिया जाएगा, हालांकि उनके जो पुत्र थे वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि उनको टिकट मिला, लेकिन क्योंकि जो ये कहा जा सकता है जो सर्वे है उसमें उनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन क्योंकि जो हरबंस कपूर की जो पत्नी थी उनको कहीं ना कहीं भाजपा ने टिकट देने का काम किया, संदेह ये कहा जा सकता है कि एक बेहतर काम भी किया क्योंकि वहां के कार्यकर्ता चाहते थे, वहां के जो उम्मीदवार चाहते थे कि एक बार, क्योंकि हरबंस कपूर ऐसे समय में गए हैं जब चुनाव नजदीक है और कहीं ना कहीं पिछले लंबे समय से भाजपा को संजोने का काम करते थे, भाजपा को एकजुट करने का काम, उनकी धर्मपत्नी को टिकट मिलना चाहिए था, इसकी पैरवी भी लगातार करते हुए वो नजर आए थे। खुद उनकी पत्नी कई बार प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करने पहुंची थी और शायद ये कहा जा सकता है कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उनको टिकट दिया। लेकिन बड़ी चीज ये है कि पहाड़ की जिन सीटों पर उम्मीद की जा रही थी भाजपा अपने प्रत्याशी नहीं बदलेंगे या कोई ऐसे प्रत्याशी बदलेंगे कोई जो बड़े नेताओं के साथ रहते हो, बड़े नेताओं के चहेते हो, लेकिन उन लोगों को भी टिकट नहीं मिला, क्योंकि कड़प्रयाग सीट की बात कर ली जाए तो कड़प्रयाग सीट से ये कहा जा सकता है कि उम्मीदवारी बहुत सी लोगों की थी, काफी बड़े नेताओं के चहेतों की उम्मीदवारी, यहाँ तक कि रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी की भी वहां से उम्मीदवारी थी, तो ये कहा जा सकता है कि उनको भी टिकट नहीं दिया पार्टी ने, केवल जिताऊ कैंडिडेट को दिया। तो कुल मिला के ये बड़ी चीज है कि जिताऊ कैंडिडेट पे भाजपा इस बार भरोसा करती हुई नजर आ रही है। जी कई चेहरों को टिकट कटने का भी डर था, धर्मपुर से विनोद चमोली का नाम इस लिस्ट में है, उन्हें अपनी टिकट को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं थे, लेकिन इस लिस्ट में धर्मपुर सीट पर विनोद चमोली का नाम है, रायपुर से उमेश शर्मा का नाम है, जिनकी गाड़ी पर हरक सिंह रावत जो है दिल्ली पहुंचे, लेकिन उमेश शर्मा रायपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, मुन्ना सिंह चौहान विकास नगर से। यानी कि सूची लिस्ट में बिल्कुल संकेत साफ है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबियों को भी ध्यान में रखा गया है। जी बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि जो जिताऊ कैंडिडेट थे जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी के लिए निभा रहे थे, चाहे वो धर्मपुर सीट से विनोद चमोली हो, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि विनोद चमोली पूर्व में दो बार के मेयर राजधानी देहरादून के रहे, उसके बाद वो धर्मपुर से विधायक रहे हैं, तो वो उम्मीद कर रहे थे कि उनका टिकट ना काटा जाए और क्योंकि ऐसा कोई बड़ा चेहरा अभी तक धर्मपुर सीट पे था भी नहीं जिस पर भाजपा भरोसा करती, तो शायद इस वजह से विनोद चमोली को टिकट दिया गया। लेकिन अगर रायपुर विधानसभा सीट की बात कर ली जाए तो उमेश शर्मा का वो चेहरा जिस पर दाव खेलने के लिए सभी राजनीतिक दल तैयार थे, सभी लोग चाहते थे कि वो उनकी पार्टी में आए, तो उन पर कहीं ना कहीं भाजपा ने भरोसा किया और कहा जा सकता है कि इसी वजह से रायपुर विधानसभा सीट से एक बार फिर उमेश शर्मा काऊ पर भाजपा ने भरोसा किया और उनको टिकट दिया है। वहीं अगर बात की जाए मुन्ना सिंह चौहान, तो मुन्ना सिंह चौहान जब से त्रिवेंद्र रावत ये कहा जा सकता है कि उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया था उसके बाद से वो एक फ्रेम से गायब थे, लैंडलाइट से गायब थे, प्रदेश कार्यालय से गायब थे और उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद मुन्ना सिंह चौहान का इस बार टिकट कट सकता है और उनकी जगह किसी और को मौका मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी ने उन पर भरोसा किया और उनको भी टिकट दिया। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि राजधानी देहरादून की अगर सीटों की बात की जाए डोईवालों को छोड़ के, तो सभी चेहरे पुराने देखे जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हरबंस कपूर हमारे बीच नहीं रहे तो पार्टी ने कहीं ना कहीं उनके परिवार को टिकट देने का काम किया, यानी कि कुल मिला के कहा जा सकता है राजधानी देहरादून की जो सीटें थी उन सभी सीटों पर लगभग लगभग वही प्रत्याशी हैं जो 2017 के विधानसभा चुनाव पर प्रत्याशी भाजपा के हुआ करते थे। जी पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है सुभाष, और सिटिंग विधायकों के टिकट कटे हैं, कई ऐसे चेहरे भी हैं
जिनसे बकायदा ये तक करवा दिया था कि आप चिट्ठी लिखी आला कमान को और कहिए कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे, पूर्व मुख्यमंत्री उनमें से एक है। अब ऐसे में डोईवाला सीट हो, कोटद्वार सीट हो, उस पर भी सस्पेंस दिलचस्प बना हुआ है। सुभाष, सस्पेंस बहुत ज्यादा बना होगा, खासतौर से डोईवाला विधानसभा सीट पर, कहीं सबकी तो नजर सुभाष है, और यही वजह है कि तो जी कुल बिल्कुल अपनी मिला बात के को कहा जा सकता दोहराए। है डोईवाला विधानसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जरूर प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर चुनाव ना लड़ने की अपील की हो, लेकिन उनका ये भी कहना था कि वो एक बार फिर भाजपा को विजयी बनाना चाहते हैं, वो भाजपा को फिर से प्रदेश में भाजपा की सरकार चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनको चुनाव के लिए कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए, वो खुद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। लेकिन कोटद्वार विधानसभा सीट इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सीट से सरकार के कद्दावर नेता, उनके मंत्री और हरक सिंह रावत चुनाव की तैयारी कर रहे थे, और वो उनको कहीं ना कहीं पार्टी ने निकाल दिया है, निष्कासित कर दिया, तो अब एक बड़ी टेढ़ी खीर बन चुकी है भाजपा के लिए कि डोईवाला और कोटद्वार सीट पर किसको चुनाव में रामपुर उतारा जाए। सीट लेकिन पर, इसके साथ ही रामपुर सीट पर सुभाष एक बड़ी चीज जी। और मैं इसमें इसी में जोड़ने की बात कहूंगा, क्योंकि केदारनाथ सीट पर भी अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, तो कहा जा सकता है कि जो गणित जिन सीटों की लगातार लगाई जा रही, चाहे वो डोईवाला विधानसभा सीट हो, कोटद्वार सीट हो या फिर केदारनाथ सीट हो, तो इन सीटों पर अभी भी भाजपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, तो कहीं ना कहीं चाहती है भाजपा की कोई मजबूत प्रत्याशी वो उतारे और बेहतर तरीके से वो फाइट करे उस सीट पर। श्रीनगर धन सिंह रावत, चौबट्टा खाल सतपाल महाराज, चौबट्टा खाल से, अल्मोड़ा से कैलाश शर्मा, ये मतलब वो चेहरे हैं। आपके पीछे जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे हैं, जरा तस्वीरें एक बार सुभाष फिर से दिखाएंगे आप बीजेपी जी प्रदेश बिल्कुल, ये कार्यालय। बीजेपी मैं आपको दिखाऊंगा, ये बीजेपी दफ्तर में तमाम जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो राजधानी देहरादून के आसपास के हों या फिर बाहर के, सभी लोग बीजेपी दफ्तरों में पहुंच रहे हैं, अपने नेताओं के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और ये भाजपा का प्रदेश कार्यालय आप देख सकते हैं, पिछले 2 दिनों से इस कार्यालय में कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि लोगों को डर था कि आखिरकार किसको टिकट मिलता है, किसका टिकट कटता है, लेकिन आज जैसे ही टिकट, ये कहा जा सकता है कि प्रत्याशियों की घोषणा हुई, उसके बाद से ही जो लोग हैं वो फिर से प्रदेश कार्यालय में रौनक की तरह नजर आने लगे और अपने नेता के नारेबाजी भी करने लगे। लेकिन अभी इंतजार करना होगा कुछ घड़ी और का, क्योंकि जिन नेताओं के टिकट कटे हैं, जिन प्रत्याशियों को मौका नहीं मिला है, उनकी नाराजगी भी इसी प्रदेश कार्यालय में आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। खत्म हो गया, लेकिन धनोल्टी से इनाम मिला प्रीतम पवार को बीजेपी में शामिल होने का, धनोल्टी से सुभाष। जी बिल्कुल, प्रीतम सिंह पवार की अगर बात की जाए तो उम्मीद यही की जा रही थी कि प्रीतम सिंह पवार को भाजपा टिकट देगी और इसी वजह से शायद उन्हें भाजपा में शामिल कराएगा, तो खासतौर से दिल्ली बुलाकर शामिल कराया गया था, तो कहा जा सकता है उनको इनाम जरूर भाजपा ने दिया है। लेकिन खजान दास, जो उम्मीद की जा रही थी कि खजान दास का टिकट कट सकता है और उन्हें संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो कहीं ना कहीं उन पर भी कहीं ना कहीं भरोसा करते हुए नजर आई भाजपा, और उनको फिर से एक बार राजपुर की कमान सौंपी गई है, क्योंकि वो चाहते भी थे कि वो राजपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, और कहीं ना कहीं उनकी इच्छा जाहिर वो कर रहे थे कि उन्होंने बेहतर काम इस सीट पर किया है, और वो ये भी कह रहे थे कि वो फिर से एक बार राजपुर सीट पर भाजपा का झंडा लहराएंगे और राजपुर की सीट से ही वो विधानसभा तक भी पहुंचेंगे, तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो प्रत्याशी उम्मीद कर रहे थे कि उनको टिकट मिलना चाहिए, वो जीत कर विधानसभा पहुंचेंगे, शायद भाजपा ने उन प्रत्याशियों पर भी भरोसा इस बार जताया है। जी बिल्कुल, सल्ट से महेश जीना, द्वारा हाट से अनिल शाही, धर्मपुर से विनोद चमोली, डीडी हाट से बिशन सिंह चुपाल, मसूरी से गणेश जोशी, भगवानपुर से सत्यपाल, यमुनोत्री से केदार सिंह, घनसाली से शक्तिलाल, और इसके साथ साथ दून कैंट से सविता कपूर, राजपुर से खजान दास, धर्मपुर से विनोद चमोली, और विकास नगर से मुन्ना सिंह चौहान, रायपुर से उमेश शर्मा काऊ, और इसके साथ साथ हरिद्वार से मदन कौशिक चुनाव लड़ेंगे, खटीमा से पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ेंगे, यतीश्वरन हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव लड़ेंगे, और ये वो चेहरे हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, पुरोला से दुर्गेश्वर लाल, गंगोत्री से सुरेश चौहान, बद्रीनाथ से महेंद्र भट्ट, थराली से भोपाल राम चमटा, कर्णप्रयाग से अनिल लोटियाल, रुद्रप्रयाग से भरत सिंह, देवप्रयाग से विनोद कंडारी, ये तमाम चेहरे जिनका जिक्र किया जा रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला फाइनल सवाल जल्दी से सुभाष, सबसे चौंकाने वाला नाम इस लिस्ट में कोई दिखाई देता है आपको, और क्या वाकई में अब लगभग ये मान ले कि 12 से 15 विधायकों के सिटिंग विधायकों के टिकट कटते हुए दिखाई दे रहे हैं,
क्योंकि अभी 11 की सूची बाकी है सुभाष जी। बिल्कुल बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि भोपाल राम टमटा पर भी भाजपा उम्मीद कर रही थी कि शायद उनका टिकट उनको टिकट ना मिले। एक बार फिर जो पूर्व विधायक रही हैं मुन्नी देवी शाह, उनको टिकट मिले, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा ने चेंज किया है, क्योंकि इस सीट पर जीत राम टमटा एक मजबूत कैंडिडेट थे और भाजपा उम्मीद कर रही थी कि शायद ये सीट वो लॉस कर सकते हैं, तो इस वजह से इस सीट पर भी बदलाव किया गया। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ी चीज ये है कि पुरोला सीट पर उम्मीद की जा रही थी कि कहीं ना कहीं मामचंद को टिकट दिया जाएगा और इसके साथ ही कहीं और बड़े नेताओं को टिकट दिया जाएगा, लेकिन बड़ी चीज यह है कि श्री दुर्गेश्वर लाल को इस सीट पर टिकट दिया गया, जो कि आज ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले कई टिकट में ऐसे दावेदार हो सकते हैं, कई ऐसे चेहरे हो सकते हैं जिसकी उम्मीद अभी तक कई लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि टिकट फाइनल हो चुके हैं तो अब उनके कार्यकर्ता उनके समर्थक कहीं ना कहीं भाजपा में पहुंच रहे हैं और उनमें काफी खुशी की लहर है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि टिकट के साथ साथ कहीं और अभी नाराजगी वाले जो प्रत्याशी हैं, नाराजगी वाले जो कार्यकर्ता हैं, वो भी आपको बीजेपी दफ्तर में देखने को मिल सकते हैं और अभी धीरे धीरे जो लोग हैं वो बीजेपी दफ्तर की तरफ आ रहे हैं, धीरे धीरे जो सड़कें हैं जो खाली थी सुबह से वो धीरे धीरे भरती हुई भी अब नजर आ रही है जी। तो द्वारा हाट से अनिल शाही, तल से महेश जीना, इसके साथ साथ डीडी हाट से बिशन सिंह चौपाल जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनका अब टिकट में नाम है। लेकिन टिकट में नाम किसका नहीं है, यमुनोत्री से केदार सिंह चुनाव लड़ेंगे भाजपा की पहली सूची में, जो नाम है जिनका जिक्र हम कर रहे हैं सीधे तौर पर 59 चेहरे हैं, लेकिन 11 का नाम अभी आना बाकी है। तो बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, सुभाष ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और पल पल की खबरें और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सुभाष बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़ी खबर बीजेपी के घर से, मैं एक बड़ी चीज और, बिल्कुल बिल्कुल सुभाष, मैं कह रहा काला ढोंगी से उम्मीद की जा रही थी कि इस बार बंसीधर भगत क्योंकि बूढ़े हो चुके हैं वो टिकट नहीं, उनको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन भाजपा ने उनको फिर से मैदान में उतारा। ये भी एक बड़ा सवाल है कि उन्होंने इस बार ये नहीं देखा, इस बार भाजपा कुल मिला के उन चेहरों पर भरोसा कर रही है जो जिताऊ कैंडिडेट है। सार पार का जो नारा भाजपा दे रही थी उसको अपनाने के लिए उन्होंने बुजुर्ग नहीं देखा, जवान नहीं देखा, महिला नहीं देखा, जो जिताऊ कैंडिडेट है उन पर उन्होंने भरोसा किया और इसी वजह से माना जा सकता है कि एक बार फिर काला ढोंगी से बंसीधर भगत को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया जी। चलिए, रानीपुर से आदेश चौहान का नाम भी इस लिस्ट में है और खानपुर से बड़ी खबर, रानी दिव्यानी यहां से चुनाव लड़ेंगी जो कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की धर्मपत्नी है। यह तीसरा रन एक बार फिर से अपने पुराने रण में ताल ठोकेंगे चौबट्टा खाल से सतपाल महाराज। तो सुभाष एक बार फिर से चलते चलते जल्दी से बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तस्वीरें दिखा दीजिए। बीजेपी प्रदेश कार्यालय, ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय आप देख सकते हैं, धीरे धीरे जो लोग हैं यहाँ बढ़ते हुए आपको नजर आ सकते हैं और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भी नेता यहाँ पहुंच रहा है, जो भी प्रत्याशी जिनका नाम फाइनल हुआ है उनके साथ जो उनके कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं वो जोर शोर से नारे लगाते हुए आपको यहाँ नजर आ सकते हैं, कहीं ना कहीं मिठाई खिलाते हुए नजर आ सकते हैं, यानी कि ये साफ है कि अब कार्यालय में जो भगदड़ है, जो भीड़ है वो फिर से आपको नजर आ सकती है। लेकिन अभी उम्मीद उन लोगों की भी करनी होगी जो नाराजगी के बाद इस प्रदेश कार्यालय में पहुंचे और उनकी नाराजगी किस कदर होती है, उनको समझाने के लिए हाईकमान और भाजपा के जो शीर्ष नेता किस तरीके से कदम उठाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल अब बनता हुआ जाएगा, क्योंकि बड़ी लिस्ट घोषित कर दी भाजपा ने। उम्मीद ये की जा रही थी लगभग 40 प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित की जाएगी, लेकिन बड़ी लिस्ट घोषित। तो सुभाष ने उन पर बेहतर तरीके से चर्चा की जाएगी और उसके बाद उनके नामों की भी घोषणा की जाएगी जी। चलिए सुभाष पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष। लिस्ट में क्या कुछ खास था वो सुभाष बता रहे थे, लेकिन खबर एक और बड़ी आ रही है, कांग्रेस की पहली सूची भी आज देर रात तक जारी हो सकती है। अब देखते हैं कि पहली सूची में, कांग्रेस की पहली सूची में क्या होता है। फिलहाल इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।